चलो ठीक है, फिर शाम में मिलता हूँ मैं तुम्हें। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर, पानी पीने रुका था। पानी पीने रुका था या आराम करने के लिए रुका था? मजाक बना रखा तुमने हर चीज को। पिछले दो दिन से एक भी डिलीवरी टाइम पे नहीं की तुमने। सर कोशिश कर तो रहा हूँ लगातार, आपके ऐप में कुछ दिक्कत है, एक ऑर्डर खत्म होते ही दूसरा आ जाता है। तुम ना कमियां निकालना बंद करो और अपने काम पे ध्यान दो तुम। सर कमियां नहीं निकाल रहा हूँ, ये देखिए, यह इससे पहले वाला ऑर्डर लक्ष्मीनगर का था और उसके बाद आया साकेत से। अब इतनी दूर इतनी फटाफट कैसे चला जाऊंगा सर? अब अपने ऐप में कुछ चेंजेस करवा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपने ऐप में क्या चेंज करना है और क्या चेंज नहीं करना है मुझे तुमसे नहीं सीखना है। तुम अपने काम पे ध्यान दो, समझे? सर आपने बुलाया? सुमित, हमारी कंपनी पिछले 4 साल से लोगों तक सामान डिलीवर कर रही है जी, लेकिन अब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो कंपनी की सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, 10 मिनट में डिलीवरी। मतलब? मैं समझा नहीं सर। मतलब ये कि आज से जो भी तुम्हारे पास ऑर्डर आएंगे ना, वो तुम्हें सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर कस्टमर तक डिलीवर करने होंगे। 10 मिनट में? सर 10 मिनट में डिलीवरी कैसे हो सकती है? ये तुम्हारी हेडेक है कि कैसे हो सकती है, मुझे तो सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए, मतलब 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए। सर हम लोग रोज फील्ड में ही काम करते हैं, हमें पता है नहीं हो सकती इन सब चीज़ों से, सिर्फ डिलीवरी बॉयज का प्रेशर बढ़ेगा। देखो यहाँ तो ऐसे ही काम होगा, और अगर तुम्हें नहीं करना ना तो कहीं और देख लो। पापा सही तो कह रहा था वो, 10 मिनट में कैसे पॉसिबल होगा ये? बेटा ये सब बातें तुम छोड़ दो, ये मेरा काम है, मैं देख लूंगा। हाँ जी सर। अभी अभी ये जो ऑर्डर तुमने डिलीवर किया ना, इसमें भी 0 रेटिंग मिली है तुम्हें। क्या? पिछले 1 हफ्ते में 100 में से सिर्फ 12 ऑर्डर तुमने टाइम पे डिलीवर किए हैं। सर सर मॉनसून सीजन चल रहा है, बारिश की वजह से पूरे शहर में जाम लगा रहता है, ऊपर से आपका ये 10 मिनट का टारगेट। ये मुझे नहीं पता। सर मैंने पहले ही बोला था आपसे, ये 10 मिनट वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं है, कोशिश कर तो रहा हूँ, अब नहीं हो पा रहा तो आप ही बताओ क्या करूँ। तुम ना तुम सिर्फ इतना करो कि चुपचाप घर में बैठ जाओ, कल से कोई जरूरत नहीं है तुम्हें डिलीवरी करने की। सर क्या बोल रहे हैं आप? सर डिलीवरी बॉय कपड़े पहन के घूम रहा है। तुझे याद है मैंने बताया था कि पापा ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया कंपनी में, 10 मिनट डिलीवरी वाला, तो बस देख रहा हूँ कि ग्राउंड पे ये चीजें अचीवेबल हैं भी या बस ऐसी हवा में बातें हो रही हैं। पर जरूरत क्या है इन सब की? जरूरत है भाई, अब कुछ सालों बाद ये कंपनी मुझे संभालनी है, तो पता तो होना चाहिए ना कि ये डिलीवरी बॉयज कैसे काम करते हैं। आ गया 10 मिनट में डिलीवरी करने का टारगेट, चल चलता हूँ मैं, ठीक है शाम को मिलेंगे। हेलो। हाँ पापा। पापा वो साकेत रोड के पास मेरे से एक एक्सीडेंट हो गया पापा। क्या? आप प्लीज जल्दी आ जाओ पापा, लोगों ने पुलिस को बुला लिया यहाँ पे। अरे बेटा तू तो चिंता मत कर, मैं बस अभी आ रहा हूँ बेटा, प्लीज जल्दी आओ पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। चल सर। चलो सर आप गाड़ी नहीं चलाई जाती ना आप। राघव क्या है ये सब, कैसे हुआ ये सब? रोड पे ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा था आपका बेटा, एक मासूम बच्चे की जान ले ली इसने। क्या? लेकिन इंस्पेक्टर क्या मैं 1 मिनट के लिए अपने बेटे से बात कर सकता हूँ? जी राघव बताओ मुझे क्या हुआ ये सब। पापा
मैं आज रोड पे एज अ डिलीवरी बॉय काम कर रहा था, ये देखने के लिए कि अभी जो 10 मिनट्स वाला कॉन्सेप्ट लाए हो ये अचीवेबल है भी या नहीं। जल्दबाजी में मैंने बाइक तेज चलाई और अचानक एक बच्चा मेरी गाड़ी के आ गया। अब इंस्पेक्टर देखिए इंस्पेक्टर, ये सब कुछ भी जानबूझ के तो नहीं किया ना इसने, इसे छोड़ दीजिए प्लीज। ये तो इसे गाड़ी तेज चलाने से पहले सोचना चाहिए था ना, आप हमें अपना काम करने दीजिए। लेकिन सर, पापा प्लीज लिसन टू मी सर, प्लीज इंस्पेक्टर प्लीज। सर आपने बुलाया था? आओ सुमित आओ। देखो ये 10 मिनट में डिलीवरी वाले कॉन्सेप्ट की वजह से आज मेरे बेटे के साथ क्या हुआ ये तुम सब जानते हो, और आज मेरी इन सभी गलतियों का खामियाजा मेरे बेटे को भुगतना पड़ रहा है। बस इसीलिए मैंने आज डिसाइड किया है कि अब से डिलीवरी को लेकर तुम सब पर किसी तरह का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होगा। अब आप लोग जा सकते हैं। सुमित तुम एक मिनट रुकना जरा। सर मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं सर, और अगर तुम चाहो तो कल से रिज्वाइन कर सकते हो। शुक्रिया सर, मैं ज्वाइन करता हूँ। Giving more importance to money than the employees in the workplace will eventually lead to a devastation. Try and avoid it. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.